कहिए कैसे हैं आप, बेटे की परवरिश कैसे करें। बेटा और बेटी दोनों ही अनमोल होते हैं, इसलिए दोनों की परवरिश ही हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। कुछ बातें तो देखिए दोनों की परवरिश के दौरान कॉमन है, बेटा हो या बेटी, मतलब कॉमन बातें हैं जो कि हमें परवरिश के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। पर कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे कि बेटे की परवरिश कर रहे हैं हम, तो कुछ बातें उनका ध्यान रखना चाहिए। इस पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि बेटी की परवरिश कैसे करें। वहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बेटे की परवरिश के दौरान हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। देखिए बच्चा बड़ा होके, बेटा बड़ा होके मैन तो बन ही जाएगा, पर अगर हम चाहते हैं वो जेंटलमैन बने, बहुत अच्छी उसकी नेचर हो, बहुत अच्छा वो इंसान बने, तो हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि परवरिश के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। अब वो क्या है, वही आज मैं आपको 7 बातें बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो उसमें भी फीलिंग्स होती हैं, उसमें भी इमोशंस होते हैं। बहुत बार हम पेरेंट्स क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि वो रो रहा है, अरे दर्द हो रहा है जैसे उसको, अरे मर्द हो तुम, मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब इस तरह से उसको बोलते हैं। उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि इन चीज़ों को, ये जो फीलिंग्स हैं, इनको कभी भी दबाना नहीं चाहिए, इनको खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए। अच्छा कई बारी इसी चक्कर में ही भेदभाव भी कर देते हैं बहुत इजीली, अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, अरे क्या लड़कियों की तरह डर रहा है। उसको ना कहीं एक फीलिंग ये आ जाती है कि लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं, मतलब इस तरह से रोती हैं तो वो लड़कियाँ ही होती हैं, इस तरह से डरती हैं तो वो लड़कियां ही होती हैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, जो कि हमें नहीं डालनी। हम बचपन से ही, शुरू से ही उसमें भेदभाव की ये जो नींव डाल देंगे, फिर कैसे बात बनेगी। तो ये चीज़ तो करनी नहीं है। और उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें फीलिंग्स होती हैं, वो भी इंसान है, तो उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दीजिए, ये सिखाना है उसको। अब आता है दूसरा पॉइंट, काम करने दें। काम जैसे घर के काम, घर के कामों में तो हम इन्वॉल्व करते नहीं हैं ना हम पेरेंट्स, तो बेटे को नहीं 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 जैसे मान लीजिए मदर ही कुछ किचन में काम कर रही है, तो बेटे को कैसे बोल सकती है कि तुम ये चपातियाँ सर्व कर दो या ये ग्लास दे दो। जैसे घर पे भी कोई गेस्ट आता है तो बेटी को आवाज़ लगाते हैं कि जरा इनको पानी पिला दो, बेटे को तो कहते ही नहीं है ना, तो उसको आदत डालनी चाहिए। मतलब पहले तो अपना काम करें, अपना काम जैसे अपने अलमारी साफ हो गई, अपना रूम साफ हो गया, अपने जूते कहीं पड़े हैं, कपड़े कहीं पड़े हैं, मतलब कंप्लीट मैस होता है। अपना ख्याल तो रखते ही नहीं है ना, अपने रूम का ख्याल मतलब ही नहीं है रखे। उनको पता है कि या तो मम्मी हैं या दीदी हैं, ये काम करेंगी अपना, तो ये आदत उनको शुरू से ही डलवानी है कि अपना काम करना। फिर जो दूसरों के हैं, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स के हैं, मदर की हेल्प है, फादर की हेल्प है, ये भी करानी चाहिए। ब्रदर सिस्टर हैं घर पर, तो उनकी हेल्प भी करानी चाहिए। और ये चीज़ उसके लिए ही बेहतर है, मतलब कल को वो पढ़ने के लिए चले, मान लीजिए कि बाहर जाता है, हॉस्टल में रहने के लिए बाहर जाता है या जॉब के लिए बाहर जाता है, तो एकदम से उसके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी काम ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं, और वहाँ पे वो पूरा ऑफिस भी देख रहा है, या चलो काम कर रहा है, या चलो पढ़ाई के लिए बाहर गया है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। कितनी बार आपने भी देखा होगा कि जैसे एक बच्चा बाहर कोचिंग के लिए जा रहा है मान लीजिए, तो मदर उसके साथ रहती है, मतलब चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, वो इसलिए कि भाई इसको आदत ही नहीं है, अकेला कभी रहा ही नहीं, इसको घर के काम करने नहीं आते, कैसे खाएगा, पढ़ाई कब करेगा, क्या करेगा, घर के काम कैसे संभालेगा, तो वो मदर उसके साथ रहने जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत करके उसको आना चाहिए, आना ही चाहिए, ये मान के चलिए। अब आता है तीसरा पॉइंट, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना, उसको सिखाना। ये तो देखिए इसके ऊपर तो पूरी की पूरी वीडियो भी बन सकती है, ये इतना ज़रूरी पॉइंट है, इतनी ज़रूरी बात है कि उसको सिखानी है। क्या कि लेडी कोई खिलौना नहीं होती, ना कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसमें पेरेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कैसे, जैसे फादर है मान लीजिए घर पर, तो फादर अपनी वाइफ की या फैमिली में और भी अगर लेडीज़ रहती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट से बात करें,
तो बच्चा देख रहा है ना, फिर वो भी वही करेगा वहीं पे। जैसे मदन है घर पे, तो वो कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे कि उसको लगे कि हाँ वाकई में रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से गंदी हरकत करना या ईव टीजिंग करना या छेड़छाड़ करना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे मदर उसको एग्जाम्पल दे के बताए कि जैसे मैं मार्केट गई थी और मैंने देखा कि ना मतलब जैसे एक आदमी आया और मेरे को जानबूझ के टक्कर लगा के चला गया। कितने अजीब लोग हैं, मतलब पता नहीं इनकी परवरिश कैसे हुई है, इनके पेरेंट्स ने इनको कैसे पाला पोसा है। मतलब इतनी घटिया सोच है, इतनी गंदी नेचर होती है इन लोगों की। तो ये चीज़ें उसको शुरू से बताएं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। मतलब सीधा जब इस तरह की कोई हरकत करता है तो सीधा ये ध्यान जाता है कि देखो इनके पेरेंट्स ने इनको क्या सिखाया नहीं है। या जैसे कि मदर है या सिस्टर गई हुई है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देके उसको शुरू से ही उसको प्रिपेयर करना है कि ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये चीज़ें करनी ही नहीं है। हमारे जो घर में हमारी जो सिस्टर्स हैं या जो कजन्स हैं या हमारे आस पड़ोस में या हमारा फ्रेंड सर्कल है, सभी से रिस्पेक्टफुली बात करनी है। ये चीज़ उनको बचपन से ही सिखानी है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, और वो ये कि लाइफ में वो जो बनना चाहता है उसको बनने दें। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं तुमने यही बनना है। जैसे कि आम तौर पर क्या देखने में आता है कि फादर अगर डॉक्टर हैं तो वो भी चाहते हैं कि बेटा भी डॉक्टर ही बने। उसका इंटरेस्ट है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया हुआ है, कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो नहीं, कोई मतलब नहीं है, बेटा डॉक्टर ही बने। या बिजनेसमैन हैं, उनकी तीन चार बड़ी बड़ी शॉप्स हैं तो शॉप संभाले। वो सीए हैं तो फिर ये भी बेटा भी सीए बने। मतलब ये होता है, ये इच्छा उनकी होती है। जबकि जो बेटे की, देखिए अगर इंटरेस्ट है उसमें फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी वही बनना चाहता है जो फादर है। पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होता कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या बने, तो इजीली जैसे कैसे किया जा सकता है कि हम बेटे की जो स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज हैं, उसके इंटरेस्ट को देखें कि बच्चे में तो ये इंटरेस्ट है, फिर उसको गाइड करें। मतलब देखिए कितना फर्क है, एक तो हम उसको गाइड कर रहे हैं, एक उसके ऊपर लाद रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, नहीं तुमने तो ये बनना है। वो फिर बन भी जाएगा ना, अगर जो पेरेंट्स चाह रहे हैं, जो फादर चाह रहे हैं, वो बन भी जाएगा ना, खुश नहीं रहेगा फिर वो। मतलब उसकी लाइफ जो है ना, मतलब हमेशा ही दुखी परेशान। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो चाहता है ना, जो बच्चा बनना चाहता है, उस पे ध्यान दें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। इंटरेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो लादना नहीं है, इम्पोज नहीं करना। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, लिबर्टी नहीं देना। कई बार देखने में आता है कि छूट दे देते हैं। छूट कैसे है कि मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि बेटी है घर में, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, लेट नाइट पार्टी है, तो क्लियर नहीं, मतलब ही नहीं तुम जाओ रात को, देर रात तक, मतलब ही नहीं। मतलब साफ साफ मना कि मतलब ही नहीं, इम्पॉसिबल। बेटा है, हाँ हाँ जाओ, मतलब सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो लेट नाइट पार्टी में जा रहा है। अरे करने दो, इसकी मौज मस्ती के दिन है, इसको एंजॉय करने दो, उसको तो एंजॉय करने दो। तो उसको जो लिबर्टी दे दी ना, उसको जो लिबर्टी मिल गई, ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी। क्या होता है, जैसे मान लीजिए पार्टीज ही हैं, कभी किसी का बर्थडे है, कभी कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये जो एज होती है ना, जैसे टीनेजर्स की, तो जैसे पार्टी में जा रहे हैं, एकदम से खुली छूट मिल गई कि कोई भी नहीं है, पेरेंट्स अभी देखने वाले नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी जैसे होता है ना नशे की आदत, जैसे मान लो स्मोकिंग की, एक बार कि चलो ये स्मोक करके देखो ये क्या कैसा लगता है, या ड्रिंक करके देखो, ये जो धीरे 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 ये जो आदत है ना, फिर एक लत बन जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिबर्टी ना देकर उनको मना किया जाए, और उनको ये भी समझाया जाए कि तुम भी ना कहना सीखो। मतलब अगर कोई दोस्त इस चक्कर में छूटता है कि भाई तू तो आता ही नहीं है, जा हम तेरे से दोस्ती नहीं रखते, तू यार तू रहने दे, तू तो घर ही बैठ, तो कोई कुछ कह रहा है तो कह जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बार अगर नशे की आदत लग गई ना, फिर सारी जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी। और इसके लिए पेरेंट्स एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, वो ये कि बच्चों के साथ टाइम बिताएं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। हाँ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, पर उसके साथ साथ क्वांटिटी भी होनी चाहिए। भी चलो हम आधे घंटे बैठ गए, पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ गए, खूब सारी बातें कर ली, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि वो चले गए, घर से बाहर चले गए, या अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने चले गए, घर पे रहिए।
मतलब बच्चे को एक मेंटल सपोर्ट हो कि मेरे पापा इस समय घर पे हैं, मतलब बच्चे को कोई भी कुछ भी पूछना हो तो उसको है कि भाई पापा हैं घर पे, मैं किसी भी समय पूछ सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं घर पे, मैं किसी भी समय बात कर सकता हूँ। तो ये एक सपोर्ट जो होती है ना, ये होनी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है कि बच्चे को अकेलापन नहीं लगता, उसके माइंड में जो कन्फ्यूज़न होती है वो तुरंत पूछ लेता है और वो क्लियर हो जाता है उसका माइंड, नहीं तो वो पूछेगा नहीं, फिर दोस्तों की संगत में ज़्यादा रहेगा। जब घर पे ही उसके पेरेंट्स, उसके पापा, उसकी मम्मी उसके लिए पूरा टाइम निकालेंगे, उससे बातें करेंगे, फिर उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि चलो मैं इनके साथ भी घूमूं, बाहर भी जाऊं, ये भी करूं, वो भी करूं। फिर वो घर पे भी उसको पसंद आएगा, जब उसको पता है कि पापा भी बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, पापा मूवी ले जाते हैं, पापा पिकनिक ले जाते हैं, तो वो घर पे प्रेफर करेगा ना, मतलब पेरेंट्स के साथ ज़्यादा प्रेफर करेगा ना। पेरेंट्स क्या करते हैं, टाइम ही नहीं होता, चलो भी 10-15 मिनट, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है, ट्यूशन ठीक चल रही है, बस इतना ही बहुत है। ये इतना नहीं होता, बहुत बातें होती हैं जो उनसे बैठ के की जा सकती हैं, उनसे शेयर किए जा सकती हैं, उनके एक्सपीरियंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद भी टाइम लगाएं, प्लस लिबर्टी नहीं देनी, बहुत ज़्यादा छूट, ये नुकसान ही करेगी लॉन्ग रन में। इसलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, ये कि बोल्ड बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम तो बोल्ड बनाते ही हैं, भाई कौन पेरेंट्स है जो बच्चों को बोल्ड नहीं बनाते। मैं आपको ना एग्जांपल देके बताती हूँ कि क्या होता है कि हम उसको बोल्ड बनने नहीं देते। जैसे कि स्विमिंग के लिए उसका मन है, उसका बहुत मन है कि वो स्विमिंग सीखे, स्विमिंग, अरे नहीं, स्विमिंग क्या करेगा, पानी में जाना पड़ेगा, रहने दे रहने दे। ट्रैकिंग पे जाने का मन है उसका कि ट्रैकिंग पे जाना है, ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है, वो चीज़ एक्सप्लोर करनी है, मतलब उसको बहुत एक्साइटमेंट है, उसको अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें, नहीं नहीं क्या करेगा जाके, क्लियरली मना। उसको अपनी नानी के घर या चलो दादी के घर 2 दिन के लिए जाना है, छुट्टियां चल रही हैं तो चलो उनके घर जाना है, तो अरे तू जा रहा है, तेरे बिना मन कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूँगी, रोने लग जाएंगी, लंबे लंबे आंसू रोने लग जाएंगी। और ये होता है, जैसे पढ़ने के लिए जा रहा है फिर तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होता है, 2 दिन के लिए जा रहा है, पता है कि भाई आज जा रहा है कल वापस आ जाएगा, चलो इतना ही सोच लो, फिर भी उसके सामने ऐसे में कैसे बन सकता है वो बोल्ड। आप ये देखिए कि जब बच्चा चलना शुरू करता है, ये एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो ज़रूर गिरता है, मतलब जब छोटे छोटे कदम रखता है, छोटा सा बच्चा 8 महीने का 9 महीने का चलना शुरू करता है तो एकदम से चलते चलते वो गिर जाता है, मतलब बैलेंस नहीं बनता ना उसका, गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको यही कहते हैं ना, नहीं नहीं चलो चलो आ जाओ, और आगे आओ, और आगे आओ, शाबाश, अप्रिशिएट करते हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरह से बोलते हैं ना हम। ये तो नहीं उसको कहते या उसको गोदी में उठा लेते, नहीं नहीं आगे से मत चलना, तुम गिर जाओगे, तुमको चोट लग जाएगी, कहते हैं हम, नहीं कहते ना, उसको उसको एनकरेज करते हैं ना, उसको मोटिवेट करते हैं ना, यही करना है हमें भी। अब छोटे छोटे कदमों से अब वो उसके बड़े कदम हो गए हैं, अब वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है, तो उसको मोटिवेट करना है कि करो तुम, मतलब उसको एनकरेज करना है, उसको बकअप करना है। अब आता है 7th पॉइंट, और वो ये कि जो भी देखता है ना बच्चा वो ही सीखता है, वो ही करता है, तो पेरेंट्स के एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि उनको बच्चे को समझाने की जरूरत ना पड़े, बस वो एक्शंस देखें और बच्चा समझ जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, है ना, गाड़ी जो आपकी गाड़ी जा रही है उसके पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है, तो फटाफट उसको जगह दे देनी है कि एम्बुलेंस निकल जाए। एम्बुलेंस के निकलने के साथ साथ ये भी आप बोलिए कि हे भगवान, जो इस एम्बुलेंस में है वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसकी जान बच जाए। तो बच्चा भी यही देख रहा है, तो उसके मन में भी हमेशा जब भी एम्बुलेंस देखेगा वो जगह भी देगा और ये प्रे भी करेगा। या फिर किसी दुकान पे गए हैं तो दुकान पे जैसे कोई आदमी सामान ले रहा है, वो जल्दबाजी में उसका कोई कोई चीज़ गिर गई, उसका कोई पेपर गिर गया या उसका मोबाइल ही छूट गया, तो जैसे कि एक पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा और उसको आवाज़ लगाई कि भाई साहब आपका ये मोबाइल गिर गया, बच्चा ये देख रहा है, तो उसके मन में भी फिर वही चीज़ आएगी कि मैं भी इस तरह से हेल्प करूं, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें बच्चों को पेरेंट्स ने सिखाया तो नहीं ना, अपने एक्शंस ऐसे किए कि बच्चा सीख रहा है। जैसे कि एक मदर है, उनकी आदत है हर रोज़ सुबह चिड़िया के लिए पानी रखना, दाना रखना, तो बच्चा ये रोज़ देखता है। जैसे एक फादर हैं, जब भी शाम होती है लाइट जलाते हैं तो हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, तो वो बच्चा देख रहा है, तो उसकी भी वही आदत पड़ गई। या दरवाजे पर, गेट पर कोई गरीब आया, कोई भिखारी आया, तो उसको रोटी दे दी, गुड़ दे दिया, तो वो बेटा जो है वो देख रहा है।
कि इस तरह से करते हैं तो वो भी इस तरह से करेगा। देखिए इस तरह से ना ऑटोमेटिकली, एक तो होता है बच्चे को सिखाना ऐसे करो ऐसे करो, एक होता है कि हम अपने एक्शंस कर रहे हैं और इनसे ना, मतलब बिल्कुल जो नेचुरल तरीके होते हैं ना, इनसे बच्चा बहुत अच्छी तरह सीखता है। उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो सीखता चला जाता है। तो ये चीज़ भी इक्वली ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा जेंटलमैन बने, बच्चा बहुत नाइस बने, बहुत डिसेंट बने, सब उससे बात करना चाहें। मतलब अच्छा लगता है ना, मतलब हम भी प्राउड फील करें एज ए पेरेंट, हम भी प्राउड फील करें और सब उससे मिलना चाहें, सब उससे बात करना चाहें। ये तभी पॉसिबल है जब हम बच्चे की परवरिश अच्छे से करें। तो ये तो थी कुछ बातें। वैसे बच्चों की परवरिश कैसे करें इस बारे में भी ना बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि बेटे की परवरिश किस तरह से करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल आइकॉन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।